I gave you my heart. Hello students, good morning. I am Ramchandra Singh, Senior Teaching Faculty of BCA Department in SPGN College, Sasaram, Rohtas, Bihar. अब अगला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसेप्ट ऑफ जावा, यानी कि जावा का कंसेप्ट क्या है, जावा का अप्रोच क्या है. अगला टॉपिक है आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग. अगला आपका टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग. जावा प्रोग्रामिंग अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, कंसेप्ट चल रहा है. जावा प्रोग्रामिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग है. एक बात समझ लीजिए आप लोग, आज के दौर में जो थ्योरेटिकल पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर से आपको कुछ अच्छे जॉब मिलने वाला नहीं है. जब तक से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एडवांस प्रोग्रामिंग इसमें होता है. आज अगर प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जीयूआई प्रोग्रामिंग, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं है. और जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका डिमांड हर जगह है. हर जगह आप बैठे नहीं रह सकते हैं अगर जावा में नॉलेज आपके पास है तो जावा में हम बताएंगे कैसे कोडिंग किया जाता है. तो आज अब टॉपिक है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग. बेसिक तो इसका देयर आर वेरियस कंसेप्ट ऑफ जावा. जैसे है आपका बहुत सारे इसका कंसेप्ट होता है जावा में क्या क्या किस तरीके से उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है. तो पहला इसका कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट, दूसरा है क्लास, और नंबर थ्री है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन. नंबर फोर है आपका डायनेमिक बाइंडिंग. नंबर फाइव है मैसेज पासिंग या मैसेज पासिंग. यानी कि ये सब आपका और फीचर्स है मेनली, लेकिन फाइव फीचर्स का जो है फीचर्स में फाइव कंसेप्ट जो है आपका जावा में है. जावा जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि ऑब्जेक्ट बिना क्लास क्रिएट किए हुए, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए आप प्रोग्राम बना ही नहीं सकते हैं जावा में. इससे बहुत बेनिफिट होता है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका ऑब्जेक्ट का. जैसे एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेज है और उस स्कूल में बार बार वर्क किया जाए, बार बार पढ़ाया जाए, तो ये ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत सारे हो और क्लास एक हो, एक क्लास के अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है. उसका प्लस बेनिफिट होता है कि एक ऑब्जेक्ट को फंक्शन से कॉल किया गया तो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट कर दिया जाएगा. तो फंक्शन एक ही बार क्रिएट किया जाएगा जो कि बार बार यूज कर सकते हैं हम लोग. जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बस केवल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो फंक्शन को कॉल कर देगा, तो हमारा कोडिंग छूटा जाता है. तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद क्लास होता है, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कुछ वर्क ऐसे होता है जो रहता है लेकिन पता नहीं चलता है. जैसे रूम में इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होता है,
आप देखे होंगे इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड आपका पता चलता है, लेकिन उसका वायर कैसे है, उसका स्विच अंदर अंदर कैसे है पता नहीं चलता है, वो हाइड रहता है। उस तरीका से इसमें ऐसा खासियत है जावा में कि उसको इनकैप्सुलेट कर दिया जाता है, काम करता है और पता भी नहीं चलता है वो है कि नहीं है, इसका एक खासियत है। तो जावा में आपका कंसेप्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन का, हाइड रहेगा लेकिन काम करेगा, डायनेमिक बाइंडिंग होता है, उसका मैसेज पासिंग होता है या मैसेज कम्युनिकेशन होता है, एक 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 इंफॉर्मेशन को दूसरे जगह भेजना हो वो उसमें जावा का बहुत बड़ा योगदान होता है, मैसेज कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरे जगह डेटा को भेजना है। तो ये है आपका जावा का कंसेप्ट, जावा का कंसेप्ट। इसके बाद है टॉपिक फीचर्स ऑफ जावा, इसके बाद है टॉपिक आपका फीचर्स ऑफ जावा। इसके बाद टॉपिक है फीचर्स ऑफ जावा, जावा का क्या क्या फीचर्स है। तो जावा का पहला फीचर्स है एक कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड होता है, मतलब कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड एक बताए थे पहले ए बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और उसके बाद तब बिट कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि पहले इंटरप्रेटेड किया जाता है। इसका फीचर्स है, इसका बहुत सारे फीचर्स है जावा का। तो पहला फीचर्स है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, पहला फीचर्स है इसका कंपाइल्ड एंड, पहला फीचर्स है कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड। उसके बाद नंबर टू है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल। नंबर थ्री है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नंबर फोर है रोबस्ट, रोबस्ट एंड सिक्योर। सिक्योर। और नंबर फाइव है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। नंबर सिक्स है हाई परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस। तो इस तरीका से जावा का ये मेन जो है आपका फीचर्स है, कुछ और फीचर्स है लेकिन उस समय से ये जो सिक्स फीचर्स है आपका कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड है। पहला फीचर कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड, कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि जावा जो है पहले उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और बाइट कोड में इंटरप्रेटेड करता है, उसके बाद तब जीरो और वन के फॉर्म में करता है, ये होता है इसका पहला फीचर्स। दूसरा फीचर्स है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि जैसे आप सी में कोडिंग करते हैं, सी प्लस प्लस में करते हैं, तो आपको वो उसी के एडिटर पर रन करना होता है, लेकिन जावा में वो बात नहीं है। इसका आप नोटपैड पर, वर्डपैड पर, कहीं पर भी, लेकिन डॉट जावा के नाम से आप केवल सेव कर दीजिएगा तो वो रन कर जाएगा। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, पोर्टेबल होता है, ये आसानी होता है इसको जावा को रन कराने में। हम लोग लिखते हैं कहीं पर भी और कहीं पर भी रन करा लेते हैं, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कहीं पर भी इसको रन कराया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नंबर थ्री है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत बड़ा आपका खासियत है, जब आप लोग बनाने लगिएगा तो तब समझ में आएगा कि वास्तव में जावा जो है वो है,
वो एक पीस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे आप आसानी से अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। वो एक ऐसा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ये, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, बिना क्लास क्रिएट किए हुए जावा में आप प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, तो ये इसका खासियत है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको आप बना करके कहीं पर भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आप डेवलप कर करके करते हैं, ये है जावा का खासियत। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, इसको आसानी से हम लोग क्रिएट करते हैं इसमें और ये डेवलप करते हैं प्रोग्राम को। जावा में कुछ ऐसे भी खासियत है जो कि सी और सी प्लस प्लस नहीं है, सी और सी प्लस प्लस से तो एडवांस ही है, उसके बाद ही इसको बनाया गया, और उसमें बहुत से सपोर्ट नहीं करता है, जिससे आप जीयूआई प्रोग्रामिंग करेगा, थ्रेडिंग का प्रोग्रामिंग करेगा, सॉकेट प्रोग्रामिंग करना होगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जावा में है। जावा में कुछ ऐसा है जो कि सी में है, जावा में नहीं है, जैसे सी में प्वाइंटर काम करता है, लेकिन जावा में बिना प्वाइंटर के ही काम हो जाता है। उसमें एड्रेस डिफरेंस ऑपरेटर जिसे स्टोर करते हैं, इसमें वो जरूरत नहीं पड़ता है। उसमें हेडर फाइल, तो हम कंपेरिजन में पढ़ाएंगे सी और सी प्लस प्लस और जावा में, तो वो तीनों में यानी कि दोनों से ये एडवांस पाया गया, वो है आपका जावा। इसका फीचर से जावा का ये सब है, फीचर्स का जावा का। इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम जावा टोकन्स लेकर के आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद, इसको देखते रहिएगा आप वीडियो को।